खबर मधेपुरा से है, जहां पर JNKT मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के छात्रों ने पश्चिम बंगाल में हुए महिला चिकित्सक की रेप कर हत्या के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया। डॉक्टरों ने शाम 5 बजे से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज कोलकाता में ट्रेनी महिला चिकित्सक की रेप कर हत्या करने के विरोध में JNKT मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार से इस मामले में पीड़ित महिला चिकित्सक के आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है, ताकि पीड़ित के परिजनों को इंसाफ मिल सके। वहीं इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज में अविलंब पुलिस चौकी खुलवाया जाए। लगातार दिन रात महिला व पुरुष पुलिस बल पर्याप्त संख्या में रहे। डॉक्टर्स के सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार सख्त कानून लाए। आरोपी को कोई भी संरक्षण दे रहे हैं तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। यह भी बताया गया कि JNKT मेडिकल कॉलेज में आए दिन बाहरी लोगों द्वारा तोड़फोड़, डॉक्टर्स के साथ मारपीट, गाली गलौज की जा रही है, जिस पर अविलंब कार्रवाई की जाए। रेप कांड हुआ है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो भी बलात्कारी हैं उनको सजा मिले, और खासकर उनको ज़्यादा सजा मिले जो उनको बचा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ब्रूटल इवेंट हुआ है जिसके अगेंस्ट हम पूरे समाज को खड़ा होना चाहिए। देश में डॉक्टर्स जितने हैं उनकी सुविधा और उनके सुरक्षा का बहुत ही अच्छा प्रबंध हो, ताकि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो, और जितने भी हम डॉक्टर्स हैं, जो हम लोग बनने वाले हैं, जो हम लोग ड्यूटी में हैं, जिस भी तरीके से वो सुरक्षित महसूस करें हम अपने कार्यस्थल पर। तीसरी है कि हमारे JNKT MCH में हमारे हॉस्पिटल में एक पुलिस चौकी हो, ताकि हमें जो आए दिन तोड़फोड़ होती रहती है, अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले तोड़फोड़ हुई है, हमारा डॉक्टर स्टेशन तोड़ दिया गया है, बहुत तोड़फोड़ हुई है, पूरे कैंपस में तोड़फोड़ हुई है, तो वैसी चीज़ों से हमें सुरक्षा मिले, एक पुलिस चौकी हमें मिले, और लगातार ड्यूटी यहाँ पे 36-36 घंटों की ड्यूटी जो मिलती है उससे कुछ थोड़ी राहत मिले, लगातार ड्यूटी ना रह के उसको थोड़े डिस्क्रीट वे में ड्यूटी दिया जाए। बाकी अंततः हम लोग सारे इंसान हैं, हम लोग भी इंसान हैं, सारे इंसान हैं, चाहे ये कोई किसी भी कम्युनिटी के लिए हो, किसी भी कम्युनिटी की गर्ल हो, चाहे डॉक्टर कम्युनिटी हो, चाहे बिजनेसमैन कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी हो, हर कम्युनिटी के लिए ये एक अभिशाप है जो ऐसी चीज़ें होती हैं। इस चीज़ पर रोकथाम की जाए, गवर्नमेंट को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि इस चीज़ की रोकथाम हो। कब से आप लोग? एक्चुअली ये चीज़ें तो काफ़ी दिन से हो रही हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल वे में हम लोग करीब करीब पिछले कल से हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, क्योंकि इसके इस मामले में कोई किसी भी तरीके की जांच पड़ताल सामने नहीं आ रही है, किसी भी तरीके के एक्यूज को सामने नहीं लाया जा रहा है, तो हमें लग रहा है कि चीज़ें दबाने की कोशिश की जा रही है। इमरजेंसी 5 बजे शाम से हम लोग इमरजेंसी सेवा बंद की हुई है। हमें लगता है जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, इमरजेंसी सेवा नहीं होगी, जब तक सुरक्षा नहीं तब तक सेवा नहीं। दीप शिखा, सुरक्षा बढ़ाया जाए और जो भी ये जघन्य अपराध को किया है उसको फांसी की सजा दिया जाए। इसके साथ और भी कोई मांग है? यहाँ पे सुरक्षा जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में भी सुरक्षा बढ़ाया जाए। यहाँ पे आए दिन, यहाँ पे भी अभी पिछले हफ्ते ही यहाँ पे तोड़ फाड़ किया गया इमरजेंसी में, तो यहाँ भी सुरक्षा बढ़ाया जाए, हर जगह सुरक्षा बढ़ाया जाए। एक जघन्य अपराध हुआ हमारे कलीग के साथ, उसके साथ रेप किया गया, उसको फिर मार दिया गया, ठीक है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे पूरे भारत में पैन इंडिया स्ट्राइक चल रहा है, तो हम लोग यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में उसी के लिए हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि एज ए ह्यूमन आपसे भी आग्रह करते हैं और सबसे आग्रह करते हैं कि हमारा सपोर्ट करें, हमारे साथ आप लोग भी बैठें, और उसके सुरक्षा के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए आगे ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमेशा हम लोग का साथ दें। मधेपुरा से आमिर आजाद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।